ताजी विरासत का मतलब यह है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, उसका रास्ता सही हो, उसकी सोच सही हो। अगर हमारी सोच गलत हो तो हमारी रास्ता भी गलत हो जाए। ताकतवर बना सकते हैं। आपको चाहिए कि आप भी शांति रहे हैं और दूसरे को भी शांति रहेंगे। आप आसमान पढ़ेंगे, आप दूसरे कार्यक्रमों में देखें, ये जो नफरत का इस तरह धोया जा रहा है, ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा होगी तो बड़ा सुंदर। आप एक पूर्व में अभी तो कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता संभाली भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, साल के अंदर हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, सर आज भी देखने में नज़र नहीं आ रहा। कहना तो बहुत आसान है, कहने में क्या जाता है। आप 1 करोड़ क्यों कहा, उन्होंने कहते हैं कि सबको दे दूंगा एक ही दिन में, लेकिन उसके लिए वातावरण तो पैदा करते हैं। आज की हालत यह है कि एक्सपोर्ट सबका 30% कम हो गया। हालात ये कोई नए कारखाने नहीं लग रहे, मौजूदा कारखानों में काम नहीं है, तो रोज़गार कहाँ से पैदा होगा। जो हमारे नए नौजवान साथी कॉलेज से निकल रहे हैं, पढ़ाई ख़त्म करके बाहर आ रहे हैं, तो वो खुले समाज में बाहर खड़े हैं सड़क पे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये हालात आज के हैं, तो रोज़गार कहाँ से पैदा होगा। जो निष्पक्ष दिखता है और निष्पक्ष बात करता है, जैसे अभी गोरी लंकेश का वो मर्डर हुआ सर, अभी तक उसमें ना तो वो जिन्होंने मर्डर किया गया ना वो पकड़े गए हैं और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई है। आपने ध्यान से देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे वहाँ पे लीडर थे जिन्होंने ये कहा कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसका अंत यही होगा। तो जांच क्या करेगी, जांच तो वो कह रहे हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई हमारे खिलाफ बोलेगा, तो और क्या जांच होगी, हो गई जांच। सर मजहब के नाम पर, गाय के नाम पर आए दिन इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं सारी, इसमें हम अपना रास्ता भूल गए। हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें डेवलपमेंट के काम नहीं करने, हमें सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं चलानी, हमें एजुकेशन में कोई सुधार नहीं करना, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ में कोई सुधार नहीं करना। हमारा विज़न बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे। हम ये वातावरण पैदा करेंगे कि लोगों का ध्यान उन चीज़ों से हट जाए जिनके हमने वायदे करे थे, और दूसरी तरफ चला जाए जो नफरत से भरा हुआ है, जनता को उलझाने के लिए। जी, मेरा मतलब वही है। थैंक यू सर।